चलो कैसे हो? सब बढ़िया? चलिए सबसे पहले आप लोग को आज राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई। आज ही के दिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है। आप लोग भी उनके तरह होनहार बनो, देश विदेश तक नाम रोशन करो। आज एक बड़े महापुरुष का जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस में हम लोग अपने यंग माइंड का यूज करते हुए आज टेस्ट दिए। इस देखते हैं इस नए यंग युवा माइंड में क्या छुपा हुआ है, किसको कितना मार्क्स आता है। तो आज का जो टेस्ट था वह था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। टेस्ट पेपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, ठीक है। अब हम उसका सलूशन देखते हैं। 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस है, क्या सलूशन होगा किसका, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हम इसको कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन था, पहले 5 क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, जो एकदम बेसिक लेवल पर है। पहले 5 क्वेश्चन कि रॉकेट प्रोपल्शन इज एन एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करती है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस पर है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यह बिल्कुल कंसेप्चुअल है, इसमें कोई डिस्कशन की खास जरूरत नहीं है। यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है। इसमें क्या है, जितना एग्जॉस्ट का मोमेंटम पीछे की ओर होगा बढ़ेगा, जितना एग्जॉस्ट का मोमेंटम पीछे की ओर बढ़ेगा उतना ही रॉकेट के बाकी पोर्शन का आगे की ओर मोमेंटम बढ़ेगा, ताकि टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या रहे, जीरो रहे। तो यह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर आधारित है। धुआं का मोमेंटम पीछे की ओर, रॉकेट का मोमेंटम आगे की ओर। डन। और दूसरा इसमें यह भी है कि रॉकेट धुआं पर फोर्स पीछे की ओर लगाता है, तो धुआं उस पर आगे की ओर लगाता है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही आधारित है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पर अप्लीकेबल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ भी यहाँ पे क्या है, अप्लीकेबल है। देयर आर 4 केसेस टू लिफ्ट ए मास यूजिंग स्ट्रिंग। कह रहा है कि 4 केस आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उठाना किसी मास को हम किसी धागे से उठा रहे हैं। दूसरे क्वेश्चंस में पहला केस क्या है कि हम मास को धागे से उठा रहे हैं, पता नहीं कितना टेंशन है। एक्सेलरेशन इसमें क्या है, अपवर्ड है। एक्सेलरेशन क्या है, अपवर्ड है। दूसरा केस में ऊपर की ओर उठा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी है कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं है। और तीसरा केस में एक्सेलरेशन है नीचे की ओर, एक्सेलरेशन किधर है, नीचे की ओर। और चौथा केस में नीचे की ओर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है कोई मास। आपको मालूम है अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर होता है तो वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। टेंशन यहां पर हो जाएगा, एम जी प्लस ए हो जाएगा। और जिस केस में वेलोसिटी बराबर है, वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी एक्सेलरेशन नहीं है, उसमें टेंशन एम जी के बराबर ही रहेगा। टेंशन किसके बराबर रहेगा, एम जी के बराबर ही। और जहां एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है वहां वेट कम हो जाएगा और यहां टेंशन हो जाएगा एम जी माइनस ए। ऐसा तो सबसे कम किस केस में एक्सेलरेशन होगा, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी सबसे कम होगा तीसरा में। सबसे कम किस में होगा, तीसरा में। और दूसरा उसके बाद चौथा, दूसरा चौथा बराबर होगा और सबसे ज़्यादा होगा पहला में। तीसरा सबसे कम किस ऑप्शन में है, एक ए है और एक डी है, और चौथा दूसरा बराबर किस में है, डी ऑप्शन में। यानी दूसरा का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। इस केस में सबसे ज़्यादा टेंशन होगा जब ऊपर की ओर एक्सेलरेट करा रहे हो, और सबसे कम होगा जब आप नीचे की ओर एक्सेलरेट करा रहे हो। और जिस समय एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टेंशन एम जी के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा और चौथा केस में टेंशन बराबर होगा। डन। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट पर है ना, कुछ कैलकुलेशन नहीं है, बस एक बार पढ़ा होना चाहिए। तीसरा है, वेन नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इज जीरो। अगर किसी पार्टिकल पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, उसका मोमेंटम जीरो होगा। क्या यह सही बात है, बोलो कितना लोग आ रहा से, गलत। मोमेंटम जीरो हो ऐसा गलत बात। जैसे कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो टोटल फोर्स उस पर जीरो होगा, लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं होगा। चलिए, मोमेंटम पॉजिटिव, सही बात गलत बात।
मोमेंटम कंजर्व्ड, सही बात। टोटल फोर्स अगर जीरो है तो मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं, मोमेंटम बदलेगा नहीं, लेकिन जो भी होगा वही रहेगा। पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव होगा नेगेटिव रहेगा, मोमेंटम बदलेगा नहीं। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा का आंसर हो जाएगा सी नंबर। कोई इसमें और डिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चौथा, तीन तक क्लियर है लोगों को? अब इसको नोट आप लोग वीडियो पर से कर लीजिएगा ताकि कम समय लगे, समझ रहे हो ना? बाकी किसी से आप ले लेना, नहीं तो ऐसे फिर ज्यादा समय लग जाएगा। नहीं तो एक बार फिर से इसका ट्राई करना, आंसर आपके पास हो जाएगा, आप फिर से इसको सेल्फ ट्राई करो, और उसके बाद जब नहीं बनता है ना तब हमारा फिर से सोल्यूशन आप वीडियो से देखो। आ जाइए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हेन ए कार कोलाइड्स विथ ए ट्रक, एक कार ट्रक से टकरा जाती है। बदमाश कार किससे टकरा गई? ट्रक से जाके। कार एंड ट्रक एग्जर्ट सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, क्या कार और ट्रक दोनों एक दूसरे पर बराबर बराबर फोर्स लगाएगी? दूसरा कहता है कि ट्रक एग्जर्ट्स मोर फोर्स ऑन द कार, कि ट्रक ज्यादा फोर्स लगाएगा, ट्रक ज्यादा फोर्स लगाएगा? नहीं, गलत बात है। न्यूटन्स का तीसरा नियम कहता है चाहे छोटा बॉडी हो चाहे बड़ा बॉडी हो, जब भी दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाता है तो इक्वल एंड अपोजिट लगाता है। इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है कि कार और ट्रक दोनों क्या होगा? बराबर बराबर फोर्स लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कार ट्रक के पर लगाएगा, ट्रक कार पर। जैसे अगर यह कार है और यह ट्रक है, अगर दोनों का कोलिजन होता है तो ट्रक कार पर इधर लगाएगा और यह इधर लगाएगा। कार ट्रक पर उधर फोर्स लगाएगा, ट्रक कार पर इधर, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? ए। न्यूटन्स का इसमें अप्लीकेबल कौन सा लॉ है? न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लीकेबल है। पांचवा, ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट अंडर फ्री फॉल वेक्स 5 kg एज। फ्री फॉल में हम लोग पढ़े थे, फ्री फॉल में किसी का वेट कितना महसूस होता है? ना ना, कितना? फ्री फॉल में, जैसे फ्री फॉल है, आप जरा गौर से खुद सोच के देखो, आपको हम एक बहुत बड़ा 10 kg का, यही सब सुनो, तेरा हो जाऊं मेरा हो जाऊं, हाँ, अगर कोई झोला दे दे काफ़ी भारी है, 10 kg 20 kg का झोला है, उसको अगर एकदम फ्रीली छोड़ दो तो कितना भारी तुम्हारे हाथ में लगता है जब तक वो नीचे की ओर फ्रीली जा रहा होता है? बहुत भारी लगता है कि कम भारी लगता है? कम। एकदम फ्रीली फ्री फॉल होना तो उसका वेट जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। फ्री फॉल में वेट क्या हो जाता है? जीरो। इसीलिए हम एग्जांपल दिए थे कि फ्री फॉल में छत पर से, हम एग्जांपल भी दिए थे अगर याद होगा, कि छत पर से चींटी भी चाहे तो हाथी का कान पकड़ के कूद सकती है, और जब तक वह हवा में है, जब तक फ्री फॉल में है, चींटी का हाथी का कान पकड़े हुआ रहेगा, उसको भारी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों फ्री फॉल में, फ्री फॉल में वेट जीरो। वेट क्या? जीरो। मास जीरो नहीं, क्या जीरो? वेट। वो अनुभव होता है कि जीरो हो गया, ऐसा नहीं कि वेट जीरो हो गया, वेट अनुभव होता है कि जीरो हो गया, यानी जो भी उसको ऊपर पकड़ के रखा है उसको कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो पांचवा में आंसर हो जाएगा बी, जीरो। अब यहां से न्यूमेरिकल शुरू होता है, छठा क्वेश्चन से न्यूमेरिकल, धीरे धीरे लेवल क्वेश्चन का बढ़ेगा। छठा क्या है कि मंकी ऑफ मास 25 kg इज होल्डिंग ए रोप, एक बंदर है, क्या है? बंदर जो 25 kg के रोप, 25 kg का है और एक रस्सी पकड़ के, क्या है जो भी है, रस्सी पकड़ के लटका हुआ है। कह रहा है कि वह रस्सी, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 30 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, अगर 30 kg का भी मास उसे लटका दो तो वह रस्सी टूटता नहीं है, लेकिन 30 kg से ज्यादा का लटकाओगे तो वह रस्सी टूट जाएगा। यानी 25 kg का बंदर ऐसे रस्सी से लटका हुआ है जो रस्सी 30 kg से ज्यादा भार बर्दाश्त नहीं कर सकता है।
तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सीलरेशन विद विच द मंकी कैन क्लाइंब अप अलोंग द रोप. क्लाइंब अप यानी कितना ऊपर की ओर चढ़ सकता है रस्सी पकड़ के, कितना एक्सीलरेशन से वह क्या कर सकता है, ऊपर की ओर चढ़ सकता है. तो भैया हम जानते हैं कि ऊपर की ओर एक्सीलरेट होगा तो इसका वेट क्या होगा, बढ़ेगा. यानी 25 किलो बढ़ के कितना के बराबर हो जाना चाहिए, 30 किलो तक, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. इसका मतलब है कि जब ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका 25 जी प्लस ए या किसके बराबर हो जाना चाहिए, 30 किलो वेट के बराबर, यानी 30 जी के बराबर. किसके बराबर, 30 जी के बराबर. बस इसको सॉल्व कर दो, जी का मान 10 रखते हुए बना दो 25. यहां जी प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, जी की जगह 10 रख दे, जी की जगह 10 रख दे, तो 10 प्लस ए बराबर हो जाएगा 30/25 गुने 10, 5 से 5 दुना 10, 5 से ये फिर 5, ये 6, 6 दुना 12, तो ए बराबर क्या हो गया 12 - 10, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या मैं ऑप्शन डी, छठा का क्या हो जाएगा डी. क्लियर है, छठा का क्या हो जाएगा डी. वेरी सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं, कितना लोग का सही है, वेरी गुड. अब है सातवां नंबर. अब क्या है सातवां नंबर, सातवां नंबर क्या कहता है कि एक सॉलिड डिस्क है जिसका मास एम है, जस्ट हेल्ड इन एयर हॉरिजॉन्टली. इस टाइप के क्वेश्चन बनाए थे कि एक डिस्क है हवा में क्या है लटका हुआ है, नीचे से बुलेट क्या कर रहे हैं फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 40 स्टोन्स, पत्थर है 40 स्टोन प्रति सेकेंड फेंक रहे हैं. स्ट्राइक द डिस्क इच विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड. इफ द मास ऑफ इच स्टोन इज इतना, व्हाट इज द मास ऑफ डिस्क. ये नहीं दिया है कि स्टोन टकराने के बाद लौट जाता है कि वहीं रह जाता है, मतलब टकराने के बाद किस वेलोसिटी से रिटर्न होता है यह नहीं दिया है. तो हम बाय डिफॉल्ट मानेंगे कि जब स्टोन टकराता है प्लेट से तो टकराने के बाद स्टोन का वेलोसिटी कुछ क्षण के लिए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. यही हम मानेंगे कि उसका वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया. उसके बाद वह उसके टकराने की वजह से नहीं बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह नीचे आ जाता है. यानी टकराने की वजह से यह इसका क्या होता है, पूरा का पूरा मोमेंटम इसका लॉस हो जाता है. पत्थर का पूरा मोमेंटम क्या हो जाता है, लॉस. और इसका जो मोमेंटम का लॉस होगा वही उसका मोमेंटम का गेन होगा. जितना यह मोमेंटम लॉस करेगा वह उसको मोमेंटम देगा. यानी प्रति सेकेंड जितना मोमेंटम इसका लॉस होगा प्रति सेकेंड उतना मोमेंटम उसका गेन होना, मतलब उतना उस पर फोर्स लगना. तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, इस टाइप का हम बताए हैं. जब भी कोई पत्थर किसी चीज़ से टकराए, पानी किसी चीज़ से टकराए, तो वहाँ फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V dm upon dt. एकदम दिमाग में सेट है. अगर रिटर्न बैक हो जाता है सेम स्पीड से तो 2V dm upon dt. बस बेसिकली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो किसी खास वेलोसिटी से कुछ अमाउंट ऑफ मास प्रति सेकेंड टकरा रहा है, किसी खास वेलोसिटी से कुछ मास क्या है प्रति सेकेंड टकरा रहा है, तो उस समय इक्वेशन जो फोर्स का बनेगा V dm upon dt. क्योंकि शुरू में मोमेंटम मास गुने वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, V dm upon dt. और टकरा के अगर वापस आ जा रहा है तो डबल मोमेंटम का चेंज होगा, तब वहाँ पे 2 times हो जाता है. यहाँ पे सीधे एक बार में जाके टकरा रहा है. तो अब पता नहीं उसका मास कितना है, लेकिन जो भी मास है इतना बैलेंस करने के लिए, उसको हॉरिजॉन्टल पे क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जितना वेट उस प्लेट का नीचे है उतना ही फोर्स ऊपर लगना चाहिए. यानी अगर यह प्लेट है तो इसका वेट नीचे होगा mg, तो इतना ही पत्थर के द्वारा फोर्स लगना चाहिए. तो यही mg बराबर क्या हो जाएगा, किस स्पीड से पत्थर टकरा रहा है, कहाँ गया, हाँ 8 meters per second से टकरा रहा है पत्थर. और एक सेकेंड में कितना पत्थर टकरा रहा है, 40 पत्थर एक सेकेंड में टकरा रहा है. कितना पत्थर, 40 पत्थर. और एक पत्थर का मास कितना है, 0.05 kg. हो गया बात खत्म. तो m बराबर नहीं निकल जाएगा, 8 × 40 × 0.05 / g का मतलब 10. खत्म. 5 × 4 = 20, 0.2 8 × 16 1.6 kg.
कितना हो गया 1.6 केजी हो जाएगा, बोलो। यानी वह मास होगा 1.6 केजी का, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा सातवां का बी। डन आठवां, हाँ आठवां देखिए, आठवां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आठवां क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ए ब्लॉक ऑफ मास एम इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ऐसा है इस पर यह मास रखा हुआ है एम, कह रहा है कि यह क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, हाँ यह क्या कर रहा है, और यह वेज नीचे की ओर नहीं गिर रहा है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, यह इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा है कि यह नीचे की ओर न गिरे, नीचे की ओर न गिरे, द फोर्स एग्जर्टेड बाई द वेज ऑन द ब्लॉक, यह जो वेज है यह इस मास पर कितना, इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगा। बेसिकली क्वेश्चन में नहीं था, हम आप लोग के लिए जोड़ दिए हैं कि वेज कितना फोर्स इस पर लगा रहा है, यह नॉर्मल बताएगा, क्या बताएगा नॉर्मल, जो नॉर्मल होता है उसी को हम बोलते हैं कि यह फोर्स इस पर जो लगा रहा है उस फोर्स को क्या बोलेंगे नॉर्मल, ये हम जोड़ दिए हैं क्वेश्चन में, ये नहीं था इसलिए कि ताकि आप लोग बना सको कि यह फोर्स क्या है नॉर्मल फोर्स है। जब भी पूछेगी ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, ए बी पर कितना लगा रहा है, तो जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी, समझ गए, पूछेगा कि बी ए पर कितना लगा रहा है तो ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स निकाल दो। नॉर्मल फोर्स ही होता है जो एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाता है जब वह कॉन्टेक्ट में आता है तो, ठीक है। तो यह बी है तो इस पर हम नॉर्मल फोर्स दे दे, नॉर्मल ऊपर होगा एमजी नीचे होगा, एमजी क्या होगा नीचे, लेकिन अगर यह नीचे क्या कर रहा है, यहां आपको नॉर्मल निकालना है तो दो केस है, एक केस है कि आप स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेके बनाओ, स्यूडो फोर्स का, अब बिना स्यूडो का भी लेके बनाते हो तो पूरा का पूरा सिस्टम कह रहा है कि एक्सेलरेट कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यानी यह मास भी एक्सेलरेट कर रहा होगा, अभी हम स्यूडो फोर्स नहीं ले रहे हैं, स्यूडो फोर्स अगर हम नहीं लेना चाहें तो यह मास भी पूरा क्या कर रहा है एक्सेलरेट कर रहा है, क्लियर। यह क्या हो गया थीटा, यह क्या हो गया थीटा, तो नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, नॉर्मल का क्या होगा दो कंपोनेंट, एक एन कॉस थीटा, क्या होगा एन कॉस थीटा, और एक हो जाएगा एन साइन थीटा, है कि नहीं। अगर इधर एक्सेलरेशन हो रहा है, यह ब्लॉक नीचे ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा है, नीचे ऊपर स्लाइड, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाला फोर्स क्या हो जाएगा बराबर, और इधर वाला जो फोर्स है वह मास गुने एक्सेलरेशन, तो यहां हो जाएगा एन साइन थीटा किसके बराबर मास गुने एक्सेलरेशन, और एन कॉस थीटा किसके बराबर एम गुने जी। यहां से दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा टैन थीटा बराबर ए बाई जी, टैन थीटा क्या हो जाएगा ए बाई जी, बात समझ में आ रही है, ए बराबर जी टैन थीटा, ए बराबर जी टैन थीटा। कई बार क्वेश्चन सिर्फ यही पूछता है कि कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए जी टैन थीटा के बराबर, अगर इतना एक्सेलरेशन होगा तो यह ब्लॉक ना नीचे गिरेगा ना ऊपर की ओर जाएगा, इससे कम रहेगा तो यह नीचे की स्लाइड करने लगेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो यह ऊपर की ओर स्लाइड करने लगेगा, ठीक है। और जी टैन थीटा रहेगा तो इसी लाइन पर वह एक्सेलरेट करता रहेगा, क्योंकि आपको दे दिया है क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, तो मतलब मास गुने एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल फोर्स के बराबर होना चाहिए, यही ना है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मालूम है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स मास गुने एक्सेलरेशन, तो हॉरिजॉन्टल में कौन आएगा एम जी का तो नहीं कोई कंपोनेंट होगा, नॉर्मल का ही कंपोनेंट होगा एन कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा एन साइन थीटा, या नीचे ऊपर नहीं जा रहा है तो एन कॉस थीटा एम जी के बराबर, लेकिन आपको नॉर्मल निकालना है एक्सेलरेशन नहीं निकालना है, क्या निकालना है नॉर्मल, तो नॉर्मल जब निकालना होगा तो इसको पुट करना पड़ेगा किसी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा पुट करना पड़ेगा, यह फर्स्ट है यह सेकेंड है और इसको थर्ड मान लेते हैं जो आया है, टैन थीटा बराबर ए बाई जी,
पुटिंग इन फर्स्ट फर्स्ट में पुट करोगे तो n बराबर हो जाएगा m, फर्स्ट में नहीं पुट करो, सेकेंड में पुट करो, क्योंकि फर्स्ट में क्या है, a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a, तो a भी हमारे नॉलेज में है, क्या दिया है कि एक्सलेशन a है, नहीं ना दिया है, तो बेटर रहेगा कि g में काम करो, क्योंकि g तो हमको मालूम रहता है, इसमें g क्या है, मालूम है हमको, चलो ए नहीं भी दिया है या दिया है ए से भी बनेगा, ए देना ही पड़ेगा, एक्सलेशन ए फिगर में है दिया हुआ, उसका यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, पुटिंग इन फर्स्ट करो या सेकेंड करो, फर्स्ट अगर लिख दिए थे चलो फर्स्ट में ही करते, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम ए बाई साइन थीटा, एम ए बाई साइन थीटा, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एम ए, आपको साइन थीटा का वैल्यू मालूम है, टेन थीटा का मालूम है, तो ए टेन थीटा मालूम है तो साइन थीटा मालूम चल सकता है, नहीं, कैसे, पी बाई बी, तो फिर एच निकाल लेंगे, पी बाई बी मालूम है, एच निकाल लेंगे, तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो यानी पी की जगह ए हो गया और एच की जगह रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगा, लेकिन आपको तो क्वेश्चन बड़ा आसान दे रखा है, आपको क्वेश्चन तो इस टर्म में दिखा ही नहीं है, साइन थीटा वाला टर्म में है, ऑप्शन में तो एम जी के टर्म में आंसर दिया है, किस टर्म में दिया है, एम जी के टर्म में, तो सही बात है, हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सेकेंड में ही पुट करना होगा, क्योंकि आंसर ऑप्शन जो हम देख रहे हैं वह क्या है, एम जी के टर्म में, तो सेकेंड में पुट करोगे तो एन बराबर हो जाएगा सिंपली एम जी बाई कॉस थीटा, इसकी ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, इसकी ज़रूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी, लेकिन कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लेता है, लेकिन बस ये जानना है कि अगर यह नीचे की ओर स्लाइड नहीं कर रहा है, सुनो बुआ, नीचे की ओर स्लाइड नहीं कर रहा है तो n cos थीटा mg के बराबर होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, n cos थीटा mg के बराबर होना पड़ेगा, इससे पहले हम क्या करते थे, n कहते थे mg cos थीटा के बराबर, आज से पहले क्या करते थे, n करते थे mg cos थीटा के बराबर, क्यों, क्योंकि उस समय mg ज्यादा होता था, नॉर्मल छोटा होता, कम होता था, ठीक है, नॉर्मल, और इस केस में अभी क्या है कि यह स्लाइड नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या है कि ये इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो धक्का दे रहा है, यह इसको धक्का दे रहा है, तो नॉर्मल इस बार ज़्यादा होगा, नॉर्मल क्या होगा, ज़्यादा होगा एम जी से, नॉर्मल का दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस थीटा जो एम जी को बैलेंस कर लेगा, और साइन थीटा होगा जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए होगा, ठीक है, तो यहाँ एन बराबर एम जी बाई कॉस थीटा यहाँ हो गया, इससे पहले पढ़ते थे n बराबर mg cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा n बराबर mg by cos थीटा, ठीक है, बस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, D, नहीं सही हुआ, सही है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यह, 9 नंबर, हाँ हाँ 9 नंबर, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg मूविंग विथ वेलोसिटी 3 meters per second स्ट्राइक्स ए वॉल नॉर्मली एंड बाउंसेस बैक विद द सेम स्पीड, एक बॉल है जो दीवार से टकराने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक कर जाता है सेम स्पीड से, इस टाइप का भी बताएं, सेम स्पीड से बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब चेंज इन मोमेंटम 2 times हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 times ऑफ एम वी, हाँ यहाँ ध्यान दीजिए, यह एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार से 0.5 kg का भी वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी, 3 meters per second से जाके टकराता है और फिर वापस क्या है, उसी वेलोसिटी से आ जाता है, इफ़ द टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज 1 millisecond, और इस टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट जो वहाँ पे है कितना है, 1 millisecond, यानी 10^-3 seconds, तो पूछ रहा है कि यह दीवाल बॉल पर कितना फोर्स लगाए, यही है ना, द एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाई द वॉल ऑन द बॉल, कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, फोर्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, तो यहाँ मोमेंटम में कितना चेंज होगा, मास गुने वेलोसिटी से जा रहा था, फिर उसी मास गुने वेलोसिटी से रिटर्न हो रहा है, यानी एक में पॉजिटिव है तो दूसरे में नेगेटिव, दोगुना का चेंज होगा, जैसे प्लस एक माइनस एक में कितना का अंतर होता है, दो का, प्लस दो माइनस दो में कितना का अंतर, प्लस 3 minus 3 में, प्लस 4 minus 4 में,
बस, तो एक प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 1.5 और दूसरा हो जाएगा माइनस 1.5, कितना का अंतर हो जाएगा 2 × 3 × 0.5, इतना मोमेंटम में चेंज होगा बटा टाइम 10⁻³, तो यह हो जाएगा 3 × 6 = 35 यानी 3 × 10³, 3000 न्यूटन, कितना हो जाएगा 3000 न्यूटन, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम बटा टाइम, शुरू में मोमेंटम इसका कितना है, मास गुने वेलोसिटी यानी 1.5, मोमेंटम कितना है 1.5, तो इधर था 1.5 प्लस 1.5 हुआ, अगली बार क्या है टकराने के बाद माइनस 1.5, तो कितना का चेंज आ गया 1.5 से माइनस 1.5 हो गया, कितना का अंतर आया 3 का, 1.5 माइनस 1.5 में कितना का अंतर 3 का, घटा के देखो ना, नहीं भरोसा है तो भाई बाद में हो जाता है माइनस 1.5 और शुरू में था 1.5, तो अंतर करने के लिए यही ना होगा चेंज इन मोमेंटम, क्या हो जाएगा माइनस 3.0 केजी मीटर पर सेकेंड, इतना का मोमेंटम में चेंज होगा। नेगेटिव साइन यह दिखाता है कि यह जा इधर रहा था, मोमेंटम में चेंज उल्टा होगा, यानी दीवार जो फोर्स लगाएगा वह क्या होगा उल्टा लगाएगा, तभी इस पर उल्टा मोमेंटम चेंज हुआ है। सबको मालूम है दीवार इधर ही फोर्स लगाएगा, इसलिए मोमेंटम में चेंज इसी डायरेक्शन में होगा, क्लियर। चलिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पूरा, और जिसका कम नंबर आ रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्या हो जाएगा सी नंबर। 10 नंबर देखिए, ए रॉकेट ऑफ मास 10 kg बर्न्स 1 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड इफ वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैस इज 1 km/s देन इट लिफ्ट्स विथ एन एक्सेलरेशन। तो रॉकेट में भी एफ थ्रस्ट जो होता है, फोर्स जो लगता है वह क्या होता है V dm/dt, रॉकेट में भी यही फॉर्मूला लगता है V dm/dt, जहां V होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट किस वेलोसिटी से दूर भाग रहा है रॉकेट से, और Dm/dt होता है कि प्रति सेकेंड कितना एग्जॉस्ट, कितना धुआं बाहर निकल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है किस वेलोसिटी से 1 km/s से बाहर निकल रहा है, यानी 10³ m/s, और प्रति सेकेंड कितना मास निकल रहा है उसमें से 1 kg ऑफ फ्यूल पर सेकेंड, यानी 1 kg निकल रहा है प्रति सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड से, समझ रहे हो ना। तो यही हो जाएगा आपका क्या चीज, एफ थ्रस्ट बराबर हो जाएगा 10³ N, इतना न्यूटन फोर्स हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो रॉकेट का मास कितना है 100 kg, रॉकेट का मास कितना है 100 kg दे रखा है, रॉकेट ऑफ मास 100 kg, तो 10³ × 100 कितना हो जाएगा 10 m/s² ग्रेविटेशन को नेग्लेक्ट करने के लिए बोला था, नेग्लेक्ट ग्रेविटी मतलब किसी ऐसे सिर्फ रॉकेट के सवाल हम बना रहे थे फ्री स्पेस में, ठीक है। तो 10 m/s² सी आंसर हो जाएगा, क्या सही आ रहा है कि नहीं, जिसको ये फॉर्मूला ध्यान में रहा होगा बना दिया होगा। तो इसका मतलब आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, असाइनमेंट तो खैर बिल्कुल छुए भी नहीं हो गए। तो आप जरा सोचिए कि बताने के बाद सब कुछ समझ में आ रहा है, पढ़ाए हैं तो समझ में आ रहा है, फिर अगर नहीं उतना अच्छा स्कोर हो रहा है तो फिर सोचने वाली बात है। आईना है एक तरह से, आपको मेहनत करना पड़ेगा, जबकि ये पीछे का चैप्टर है। आगे है 11 नंबर, हाँ, ए शेल ऑफ मास 200 ग्राम, ए शेल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड बाय द गन ऑफ मास 100 kg, बंदूक कितना केजी का है भैया, गन है 100 kg, अब बुलेट है, बुलेट को ही शेल भी बोलते हैं, कितना है 200 ग्राम यानी 0.2 kg। इफ द मजल स्पीड ऑफ द शेल इज 80 m/s, मजल स्पीड है मतलब यही मान लो कि यही बुलेट का स्पीड है, भी बराबर क्या हो गया
80 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से बुलेट निकलता है, द कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड, कैलकुलेट द रिकॉइल स्पीड। तो हम बताए थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाए हुए हैं कि जितना इस बंदूक से गोली निकला होगा जिस मोमेंटम से, अगर यह निकला है 0.2 × 80 तो कितना हो जाएगा, 8 × 16 केजी मीटर पर सेकेंड। इतना से बुलेट बाहर निकला होगा, रॉकेट वाले ही सिद्धांत पर उतना ही से यह गन भी क्या होगा, उतना ही मोमेंटम से गन भी पीछे की ओर गया होगा। ठीक है, बुलेट छोटा बना देते हैं। ठीक है, तो यह गन कितना केजी का है, 100 केजी, उतना ही वेलोसिटी इसके पीछे हुआ होगा, रिकॉइल वेलोसिटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिकॉइल वेलोसिटी। तो यानी 100 × v किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर। तो v बराबर 0.16 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 0.16 मीटर पर सेकेंड, यानी 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसमें ए और डी दोनों में था सेम ऑप्शन, इसको ऐसे हम करेक्ट कर देंगे अपलोड करने से पहले। तो आपको यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी को हम 16 मीटर करवा दिए थे क्या। हाँ, तो आपको आपको लगा कि सर चेंज करके डी किए हैं तो शायद डी ही होगा। भैया मोबाइल बंद कर लो, किसी का फोन नहीं आएगा, नहीं भाई का भी नहीं आएगा, तुम बंद करके देखो। राष्ट्रपति तो कॉल कर ही नहीं पाएंगे, भाई क्या है, हमको पता है थोड़ा बहुत, हम भी टेक्नोलॉजी जानते हैं, इंजीनियर ऐसे ही थोड़ी ना। हाँ, अब आ जाइए 12 नंबर, 12 है ना, 12 नंबर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक मास ऑफ 5 kg सस्पेंडेड बाय ए रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम ए सेलिंग, 5 kg सस्पेंडेड है 2 मीटर का और 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है मिड पॉइंट ऑफ द रोप। तो यह हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगने की वजह से क्या होगा, यह एक किसी एंगल पर चला जाएगा। 2 मीटर का है, 1 मीटर यहाँ और 1 मीटर यहाँ, हॉरिजॉन्टल में फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन। यही सिचुएशन दिया है बउआ, गौर से देखो, सेम यही सिचुएशन है, सेम यही सिचुएशन है। तो बोल रहा है द एंगल मेड बाय द रोप विथ द वर्टिकल, यह एंगल थीटा कितना है। सिंपल, जो यह फोटो बना लिया होगा वह यह क्वेश्चन बना लेगा। क्या कह रहा है कि 2 मीटर का वायर है, उसको बीच में से पकड़ के हॉरिजॉन्टली खींचते हैं, तो ऐसे ही ना बनेगा। एक बार मन में सोचते कि ऐसे लटका हुआ है, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ऐसा ही बनेगा। फिजिक्स से भाई थोड़ा सोचो, तो खींचे तो ऐसा बन गया। यह 90 डिग्री है, 5 kg नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स कितना होगा, 5g मतलब 50 न्यूटन। अरे बाप रे, सिंपल है, सीधे बन गया, 50 न्यूटन इधर, 50 न्यूटन इधर, इसका मतलब यह क्या होगा, एकदम बीचो बीच होगा, यानी थीटा 45 डिग्री होगा। थीटा क्या होगा, 45 डिग्री, कुछ इसमें अब सोचना ही नहीं है। थीटा क्या है, 45 डिग्री। अब ऐसे देखो, अगर मतलब बराबर नहीं होता तो कैसे बनाते, बराबर नहीं होता तो कैसे बनाते, यहाँ टी लिखते, क्या लिखते, टी, ए सुनो, यहाँ क्या लिखते, टी, यह 50 न्यूटन तो आप लिख देते इसके बदला, तो अब क्या लिखते, टी कॉस थीटा बराबर, टी कॉस थीटा बराबर आप mg लिखते, जो यहाँ mg है, यह किसके बराबर है, mg के बराबर, और यह फोर्स के बराबर, और टी साइन थीटा किसके बराबर लिखते हैं, एफ के बराबर। अगर जनरल क्वेश्चन रहता तो टी का कॉस थीटा mg के बराबर, टी का साइन थीटा 50 न्यूटन के बराबर, बात खत्म। तो यहाँ पर तो दोनों बराबर बराबर है, दोनों क्या है, बराबर बराबर, तो इसीलिए यहाँ दोनों को डिवाइड करते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी टैन थीटा, यह क्या आ जाता है, एफ बाई एम जी। इस क्वेश्चन में एफ बाई एम जी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा,
क्योंकि दोनों क्या है बराबर बराबर है, अलग क्वेश्चन रहता तो अलग हो सकता था, तो इसलिए 45 डिग्री हो जाएगा। ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया, 45 डिग्री बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, सारा आसान है इसमें का। तो पढ़ना पड़ेगा ना। 13 नंबर, सब क्वेश्चन सिंपल है, बस हल्का थिंकिंग है, यही यही होता है मज़ा। फिर इसी ऐसे ही क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, जिसमें ज़्यादा खाली दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है कुछ, सब दो दो लाइन में बन रहा है ना। नीट लेवल का क्वेश्चन बिल्कुल यही आता है नीट में, जेई मेंस में है कि थोड़ा बड़ा भी होता है, नीट में 3 लाइन 4 लाइन से ज़्यादा का सोल्यूशन नहीं रहता है। तो इसीलिए अगर आपको शुरू में नीट लेवल का ही, जो जेई मेंस का भी तैयारी कर रहा है उसको भी बोलते हैं कि शुरू में आप नीट का भी क्वेश्चन बैंक बना सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। नीट का क्वेश्चन आसान रहता है। मेडिकल के लिए कोई बुक खरीद लो, जो मेडिकल के लिए सिर्फ बुक निकालता है, जिससे कोई भी बुक ले लो, नीट गाइड भी ले लो या कोई भी फिंगर टिप्स ले लो या जो भी। तो नीट नहीं कि हम आईआईटी हमको करना है तो हम नीट का है पढ़ेंगे, मतलब सोचिए कि हमको आईआईटी करना है, घमंड में रहता है भाई। आईआईटी करने का सोचने में क्या है घमंड हो रहा है, कर जाते तो घमंड होता था एक बात है। बहुत लोग यही हमको आईआईटी की तैयारी करना है गर्व से बोलता है, आईआईटी की तैयारी करना है, पहले ही उसको गर्व हो जाता है कि हमको आईआईटी की तैयारी करना है। अभी घमंड की क्या जरूरत है, आईआईटी की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन आपको शुरुआत बेसिक से करना पड़ेगा। आईआईटी के लिए तो और ग्राउंड से करना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी एक बड़ी इमारत है तो नींव उसका मजबूत होना चाहिए। जेई मेंस की तुलना में अगर आईआईटी की बात की जाए तो आईआईटी एडवांस की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत बेसिक चीज से फोर्स बराबर मास गुने एक्सलेशन, इसको एकदम गहराई तक समझ के बनाना पड़ेगा कि क्या हमेशा मास गुने एक्सलेशन लेंगे, तब मालूम चलता है कि नहीं हमेशा नहीं लेंगे, यह तभी लेते हैं जब मास क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। यह बात जो समझेगा इतनी गहराई तक वही आईआईटी एडवांस के लिए तैयारी करेगा, नहीं तो जो सीधे फोर्स बराबर मास गुने एक्सलेशन रटे हुआ है तो वो आईआईटी नहीं हो पाएगा फिर। तो ये जानना जरूरी है कि नहीं मास गुने एक्सलेशन इट इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, इट इज ओनली करेक्ट इफ मास इज कॉन्स्टेंट, अदरवाइज एक भी डीएम अपॉन डीटी भी होता है, और साथ में कई बार एम गुने ए या भी डीएम अपॉन डीटी दोनों मिक्स भी होता है, तो उसके गहराई को समझेगा तब ना बनाएगा। चलिए 13 नंबर भी यही है, हल्का गहराई पे खाली सोचना है, बेसिक पर है कि ए बॉडी ऑफ विथ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स F बराबर -3i कैप + 4j कैप। इसमें भी ऑप्शन दो ऑप्शन सेम था, तो हमने D ऑप्शन को 10 से कन्वर्ट करके 15 बनाया था, क्या देखना है क्या होता है इसमें। अच्छा इसमें आंसर D आया था, 12 में क्या था D, 13 में देखते हैं। फोर्स हो गया आपको -3i कैप + 4j कैप, ठीक है, और इधर भी हो गया 6i कैप - 12j कैप। कह रहा है कि कितना टाइम लगेगा, इट विल जस्ट हैव वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, सिर्फ वेलोसिटी किस में रहे वाई एक्सिस में रहे, वेलोसिटी किस में रहे वाई एक्सिस में, यानी एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी क्या हो जाए खत्म हो जाए, एक्स एक्सिस वाला वेलोसिटी खत्म हो जाए, सिर्फ वाई एक्सिस में वेलोसिटी रहे, इसका मतलब क्या है एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाए खत्म। तो एक्स एक्सिस में हम सिर्फ काम करेंगे, हम पहले भी बताए हैं कि जब दो एक्सिस की बात हो तो वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली इन ईच एक्सिस, प्रत्येक एक्सिस में आप अलग अलग स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हो। आपको कह रहा है कि वाई एक्सिस में वेलोसिटी रहना चाहिए, इट विल जस्ट हैव अ वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, इसका वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा, तो ऐसा तभी होगा जब एक्स एक्सिस में नहीं रहेगा, तभी ना सिर्फ वाई एक्सिस में रहेगा, बोलो। नेट वेलोसिटी कह रहा है कि वाई एक्सिस में, मतलब देयर इज नो वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है, यानी यू एक्स आपका शुरू में क्या है 6 है मीटर पर सेकेंड, तो वी एक्स क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी 0, और जबकि आपको मालूम है फोर्स एक्स एक्सिस में कितना है -3 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -3 अपॉन मास कितना है 5 kg, तो इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डिसेलरेशन हो रहा है, एक सेकेंड में कितना वेलोसिटी घट रहा है 3/5। अब आप v = u + at पर बैठा दो, v = u + at, v की जगह 0, u की जगह 6, a की जगह -3/5 × t, तो यहां से आ जाएगा 3/5t = 6, तो
तो टी बराबर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड, टी बराबर क्या हो जाएगा 10 सेकेंड। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा बी। अब हम 10 को 15 करवाए थे तो कोई दिमाग ना लगाए कि सर चेंज करवाए हैं तो शायद वही करेक्ट होगा, ये सोच के कोई टिक नहीं ना मार दिया था। हाँ तब ठीक किया था। हाँ 10 सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 14 नंबर क्या है, 14 नंबर में क्या है, बॉडी टेक्स एन टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ए 45 डिग्री रफ इंक्लाइन। रफ इंक्लाइन को स्लाइड करने में उसको कितना समय लगता है, एन टाइम्स लगता है जितना कि स्मूथ इंक्लाइन को ट्रैवल करने में लगेगा। स्वाभाविक है स्मूथ में जल्दी होगा, स्मूथ में जल्दी और रफ में लेट से होगा। तो कितना जल्दी होगा अब देख लो, अगर मान लो इसका जो भी है एस तो दोनों में कांस्टेंट होगा, एस क्या होगा सेम होगा, एस क्या होगा सेम, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो एक्स एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल तो सबका जीरो है यानी यहां एस बराबर क्या होगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो कह रहा है कि एस भी क्या है सेम है दोनों का, यानी दोनों केस में ए वन टी वन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए टू टी टू स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टी टू जो है वह क्या है एन टाइम्स टी वन है, पहले वाले की तुलना में एन गुना क्या है ज्यादा समय लग रहा है। यह केस हम लिख रहे हैं रफ के लिए, यह केस किसके लिए लिख रहे हैं रफ के लिए, और यह केस हम लिख रहे हैं स्मूथ के लिए। ठीक है तो स्मूथ में अगर टाइम टी वन लगता है, स्मूथ में एक्सलेशन ए वन है, रफ में टाइम टी टू लगेगा, रफ में एक्सलेशन ए टू है। डन, तो टी टू बराबर एन टी वन है, यह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। और एक्सलेशन कितना होगा देखो, अगर यह थीटा है 45 डिग्री दे रखा है, क्या दे रखा है बाद में पुट कर देंगे, तो इधर एक्सलेशन जी साइन थीटा होता है मालूम है कि नहीं, जी साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा इसका इधर का याद है म्यू जी कॉस थीटा, म्यू जी कॉस थीटा, ऐसे हम याद ही करवाए थे कि इस पर याद रखना, अदरवाइज यहाँ देख लो इस पर ऐसे रखते हो तो इसका मास नीचे एम इधर नॉर्मल, यह हो जाता है थीटा, अगर यह थीटा तो यह भी थीटा, एम जी का दो कंपोनेंट होगा, इधर होगा एम जी साइन थीटा, इधर हो गया एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल जो होता है एम जी कॉस थीटा के बराबर, यह हो गया म्यू एन, फ्रिक्शन क्या हो गया म्यू एन यानी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो जब एक्सलेशन निकालना होता है तो मास हट जाएगा तो जी साइन थीटा, इधर हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है, ए वन की जगह आपको जी साइन थीटा पुट करो, टी वन स्क्वायर क्या पुट करें टी वन स्क्वायर, और ए टू की जगह पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और टी टू की जगह पे एन स्क्वायर टी वन स्क्वायर, जो जो कटेगा हटा दो, टी वन स्क्वायर खत्म, जी दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एन स्क्वायर बराबर साइन थीटा है, ध्यान दो यहां, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर। तो यहां से म्यू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, और इधर आ जाओ, म्यू कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये उधर गया और यह इधर आ गया, माइनस साइन थीटा अपॉन एन स्क्वायर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसमें से कॉमन ले लो, बटा कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, ये अंदर बच गया वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर। ऑप्शन किस प्रकार है, हाँ तो यह क्या हो गया टैन थीटा वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर, थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है तो एट 45 डिग्री क्या हो जाएगा यह वन हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर।
वन माइनस वन बाई एन स्क्वायर ए नंबर। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। और एक लास्ट बता के हम आज का क्लास यहीं पर कंक्लूड करेंगे, और लास्ट का फाइव आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट अगले क्लास को। नहीं बस, तो पांच बनाने में फिर और समय लगेगा, सवा आठ हो चुका है। 15 नंबर बंद हो गया, हाँ 15 नंबर देखिए, 15 नंबर बहुत आसान, ये आसान है, बहुत आसान। देखो भाई, यहाँ 5 केजी है, क्या है यहाँ पे पुली लगा हुआ है, यह 15 किलो, क्या है 15 किलो, और यहाँ क्या है 5 केजी, यहाँ क्या है 5 केजी, यहाँ भी 5 केजी। स्वाभाविक है यह किधर मूव करेगा, 15 केजी के तरफ, तो यह नीचे जाएगा, यहाँ यहाँ टेंशन हो जाता है T1, यहाँ टेंशन T2, और यह पूरा यह ऊपर की ओर एक्सलेट करेगा, यह इधर एक्सलेट करेगा और यह इधर एक्सलेट करेगा, डन। लेकिन साथ में फ्रिक्शन भी है, साथ में क्या है फ्रिक्शन, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की ओर कि पीछे की ओर, स्वाभाविक है फ्रिक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। अगर इस तीनों मास को एक सिस्टम माना जाए, तीनों मास को एक माना जाए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स 15g जो होगा बाहरी फोर्स होगा, 15g क्या होगा 5g बाहरी फोर्स, अरे ग्रेविटेशनल फोर्स है बाहरी फोर्स, फ्रिक्शन भी बाहरी फोर्स, क्योंकि यह फ्रिक्शन टेबल के द्वारा लगाया जा रहा है, इस ब्लॉक का आपस में नहीं है, तीन ब्लॉक का अगर सिस्टम ले रहे हो तो यह फ्रिक्शन तीनों ब्लॉक के बीच का नहीं ना है, यह फ्रिक्शन क्या है टेबल द्वारा है, यानी बाहरी एजेंट के द्वारा है, तो दिस विल बी द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सेलरेशन निकालना होगा तो क्या होगा, यह फ्रिक्शन कितना के बराबर हो जाएगा, पहले फ्रिक्शन निकाल लो, फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू एन, म्यू कितना है 0.2, नॉर्मल कितना इस मास पर लग रहा है ना, तो इसका नॉर्मल लोगे 5g, तो 5g हो गया, तो कितना हो गया 5 × 10 न्यूटन, कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, 5 × 10 एक, जी 10 न्यूटन हो गया, जी को 10 ले रहा है। तो अब देखो एक्सेलरेशन निकालना है, तो टोटल बाहरी फोर्स बटा टोटल मास, यह 15g यानी 150 न्यूटन मोशन को सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस मोशन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है तो प्लस 150, यह फ्रिक्शन अपोज कर रहा है -10, यह 50 न्यूटन भी क्या कर रहा है मोशन को अपोज कर रहा है, एक्सेलरेशन के विपरीत है ना, तो यह भी -50, यह टोटल फोर्स हो गया, और टोटल मास कितना हो जाएगा 15 + 5 + 5 = 20, 5 = 25। जब भी टेंशन निकालना होगा एक्सेलरेशन आपको पहले निकालना ही पड़ेगा, यह 60 घटा दो कितना हो जाएगा 90/25, 5 से 18/5 m/s², इतना आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब आपको T1 और T2 निकालना है, तभी ना उसका रेशियो निकाल पाओगे। तो T1 निकालना है तो 15 kg के पास आ जाओ, T2 निकालना है तो 5 kg के पास चले जाओ, जो यहां से यहां तक एक टेंशन सेम होगा, यहां T1 तो यहां भी T1, यहां T2 यहां भी T2, ठीक है। तो T1 बराबर क्या होगा, T1 बटा T2 कह रहा है ना निकालने को, फाइंड द रेशियो ऑफ टेंशन इन द राइट एंड लेफ्ट, पहले राइट वाला कह रहा है यानी पहले T1, अच्छा एक मिनट, उस क्वेश्चन में दे रखा है इसको T2, फिगर क्वेश्चन में है दिया हुआ, तो इसलिए हम अपने मन से T1 नहीं मानेंगे, वह इधर वाले को T1 लिया है, इधर वाले को T2, तो T1/T2 कह रहा है निकालने को, ठीक है। अब T1 निकालना है तो चले जाओ 5 kg के पास, यह 5 kg क्या है ऊपर की ओर एक्सलेट कर रहा है, क्या तो T1 कितना हो जाएगा 5 × ऊपर की ओर एक्सलेट कर रहा है G + A, तो क्या हो जाएगा G यानी 10 + A कितना 18/5, और यहाँ क्या हो जाएगा T2 निकालना है तो यह नीचे की ओर एक्सलेट कर रहा है, तो T2 हो जाएगा हाँ 15 और G - A यानी 10 - 18/5। बस इसको सॉल्व कर दो, T1/T2 हो जाएगा ये 10 × 5 = 50, 68, 5 ×
68 और यहाँ हो जाएगा 15 इंटू 50 में से यहाँ 15 केजी है ना, और यहाँ 10 पचास 50 में से 18 गया, 50 में से 20 अगर जाता तो क्या होता 30 32 बस खत्म, नहीं कटेगा भाई 5 से 3। अरे कट नहीं जाएगा इसका इसका, हाँ इसका भी एलसीएम है, इसका भी एलसीएम 5 है, दोनों कट जाएगा। हाँ 4 से हो जाएगा 8 चौक 32, 4 से 17 चौक 68, क्या 17/24 है कोई ऐसा ऑप्शन? अरे ए हम तो सोचे इतना खतरनाक कहाँ से आ गया, 17/24 इसका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया ए। अब बचा हुआ 5 क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क है, अगला क्लास को इसका हम डिस्कशन कर देंगे, बचे हुए 5 का भी आप लोग बना के लाइएगा। ओके चलो देखो फिर उसके बाद कितना सही होता है, एक मौका और है आपके पास। ओके बाय बाय। Thank you, sir.